ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टू के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स नए किंग बन गए हैं। अब उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। नए किंग के रूप में उन्हें क्या कहा जाएगा, यही नए चार्ल्स तृतीय का पहला फैसला है। परंपरा के मुताबिक वे अपने लिए चार नाम चार्ल्स, फिलिप, आर्थर, जॉर्ज में से किसी एक नाम को चुन सकते थे। किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कंसॉर्ट कैमिला लंदन पहुंच गए। प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस से मुलाकात करने के साथ ही शोकग्रस्त राष्ट्र को वे संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि महारानी के निधन के 24 घंटों के भीतर लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में एक असेशन काउंसिल के बीच चार्ल्स को आधिकारिक तौर पर राजा घोषित किया जाएगा। इस काउंसिल में वरिष्ठ सांसद, सीनियर सिविल सर्वेंट्स, कॉमनवेल्थ हाई कमिश्नर और लंदन के लॉर्ड मेयर शामिल होंगे। सबसे खास बात ये कि 1952 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब ब्रिटेन के राष्ट्रगान का शब्द होगा गॉड सेव द किंग। इससे पहले गॉड सेव द क्वीन था। इसके बाद हाइड पार्क, लंदन टावर और नौसैनिक जहाजों से तोपों की सलामी दी जाएगी।